चैनल, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक वीकेंड आ गया है और आज फिर से हम कहीं बाहर जाने वाले हैं, बट हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि आरव के एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें वापस आके उसको पढ़ाना भी है, तो हम यही सिलेक्ट सिटी तक ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम मिलते हैं सिलेक्ट सिटी में। हम लोग सेटल हो चुके हैं गाड़ी में और पीछे आरव भी बैठ गया है और वो गाने सुन रहा है बैठकर, और अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मॉल। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ और अब आरव थोड़े गाड़ी चढ़ेगा तो वो हम देखते हैं कैसे चढ़ता है। ये आरव जा रहा है गाड़ी चढ़ने, वो चूज करेगा इनमें से कि कौन सी वाली गाड़ी चढ़ेगा। ये देखिए ये गाड़ियां हैं, इनमें से वो चूज करेगा कि कौन सी गाड़ी ये चढ़ना चाहता है। इसके पापा पूछ रहे कौन सी गाड़ी चढ़ना है, इसे वो बताना नहीं चाह रहा। तो यहाँ सारे बच्चे अपने अपने गाड़ियां चला रहे हैं। ये देखिए दो बच्चे ऑलरेडी अपना चला रहे हैं और ये आरव भी चल चुका है अपने एंग्री बर्ड वाले राइड पे और उसे बड़ा ही मजा आ रहा है। और ये देखिए बाकी बच्चे भी अपनी अपनी गाड़ियों पे चल चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये एक ट्रेन आ रही है, छुक छुक ट्रेन, और मेरे को ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रेन जैसी आवाज है। और ये सारे बच्चे झूले झूल रहे हैं और यहाँ पे मेरे को एक ईटिंग पॉइंट दिखा फ्रैंकी, और यहाँ पे बाहर भी मॉल से बाहर भी ईटिंग पॉइंट्स है, निरुलाज है और सब अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, वीकेंड है। और ये देखिए स्प्रिंग सीजन है तो देखिए बसंत सीजन की वजह से इतने प्यारे प्यारे फूल, रंग बिरंगे हर एक रंग के फूल। और ये आरव अपना राइड पे लगा हुआ है और ये देखिए उसको रेड कलर बहुत पसंद है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बलून यहाँ पे सेल कर रहा है बंदा। तो आरव जिद कर रहा था ये लेने की बट मैंने उसे मना कर दिया। और ये देखिए शॉपर स्टॉप ब्यूटी, यहाँ पे मेकअप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और ये कैवेंटर्स जहाँ पे आपको फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाते हैं, शेक्स मिल जाते हैं। और आरव ने एक और राइड ले ली, अब रेड कार ले ली है उसने, अब उसे कार पे भी चढ़ना है। मतलब अगर उसे झूले दिख जाए या गाड़ियां दिख जाए तो उसको राइड चाहिए ही चाहिए, वो जिद करने लग जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। और अब देखिए यहाँ पे फ्लावर्स के गमलों से कितना प्यारा सजा रखा है और ये बसंत के मौसम में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर्स, और ये एम्बियंस को भी काफी अच्छा कर रहा है। और छोटे छोटे गार्डन से बने हुए हैं यहाँ पे और काफी बड़ा सा वॉकिंग एरिया है यहाँ। गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए हमारे देश का तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है, ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस मॉल में इन्होंने एक देश का झंडा लगा रखा है और यहाँ पे देश का ही चिन्ह लगा रखा है जो राष्ट्रीय चिन्ह है। तो उसका क्लोजअप मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए तीन बाघ है, तीन अलग अलग रंग के, केसरिया, हरा और सफेद। और देखिए उसके पास ही काफी सारे गार्डन टाइप के बने हुए हैं और लोगों को बैठने का अरेंजमेंट है यहाँ पे, और यह देखिए फव्वारे भी लगे हुए हैं तो बहुत ही प्यारा एम्बियंस बन जाता है बैठने के लिए। और ये कुछ मोमोज हम लेने आ गए थे, मोमोज का स्टॉल दिख गया।
और अब हमने ये मोमोज ले लिया। तो गाइस बैकग्राउंड नाइस था तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर देना प्रेफर किया है, तो कहीं कहीं मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे रखा है। तो ये देखिए टू फेस का शोरूम जहाँ पे काफी मेकअप का सामान मिलता है और उसके बाजू में स्टार बॉक्स है। और ये देखिए छोटी सी प्यारी सी लड़की व्हील घुमा कर आई है, उसको कुछ गुडीज मिलने वाला है शॉपिंग करने पे, तो उसी का व्हील घुमा कर आई है। यहाँ पे कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। और देखिए ये स्पोर्ट्स के शोरूम्स है और यहाँ पे मैं डी कैथलॉन पहुँच चुकी हूँ। और डी कैथलॉन में देखिए काफ़ी सारे देखिए डार्ट बोर्ड्स हैं और यहाँ पे डार्टिंग और वो एन एरो है, इन सब चीज़ों को खरीदने को मिलता है। ये है स्केट्स जो व्हील स्केट्स हैं और ये साइकिल्स है बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बॉल्स हैं। तो आरव ने भी अपने लिए एक रेड कलर की बॉल ले ली है और आरव को शूज चाहिए थे और एक ड्रेस चाहिए था तो वो भी मैंने डीकैथलॉन से उसे दिला दिया। और ये अलग अलग रनिंग शूज बड़ों के लिए भी है यहाँ पे। और आरव यहाँ पे ये देखिए ये ट्राई कर रहा है स्केटिंग करने की, बट उससे हो नहीं रहा है, देखिए कैसे बिहेव कर रहा है ये, और इसके पापा इसे पकड़ नहीं रहे हैं। और ये आरव कूदने लगा है ट्रैम्पोलिन पे, उसे बड़ा मजा आ रहा है ट्रैम्पोलिन पे कूदने के लिए। ये थोड़ी साइकिलिंग ट्राई किया। गाइस मैं डीकैथलॉन में हूँ और मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको डीकैथलॉन से बाहर जाकर। तो गाइस मैं अभी बरिस्टा जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, मेरे को सर में दर्द हो रहा है तो अभी मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे मसाज चल रहा है, एक छोटा सा मसाज कॉर्नर है, यहाँ पे मशीन से भी मसाज करवा सकते हैं और मैनुअली भी करवा सकते हैं। और ये हम बरिस्ता पहुंच चुके हैं। तो मैंने मोका ऑर्डर किया है, मोका मेरा फेवरेट कॉफ़ी है, तो अभी मैं अपने मोका के लिए वेट कर रही हूँ बरिस्ता में, और जैसे ही आता है तो चलिए हम सब साथ में पियेंगे मोका। तो गाइस आरव ने जबरदस्ती ये कैंडीज ले ली अपने लिए और मैंने इसको बोला था ये बड़ा वाला लॉलीपॉप मत ले, बहुत ज़्यादा मीठा है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा मीठा। और ये मेरी मौका आ चुकी है, आरव पीना चाह रहा है बट मैं बच्चे को कॉफ़ी नहीं देती और ना ही चाय देती हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत हार्ट बना हुआ है। तो गाइस ये हम क्रोमा पहुँचे हैं, आरव और उसके पापा को कुछ फोन्स के मॉडल्स देखने थे नए, और अब ये यहाँ पे प्यूमा आ गया है। और ये हमने KFC ऑर्डर कर लिया है और डिनर में हमने यही खाया है और फिर चल पड़े अपने घर की तरफ। तो गाइस अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं थोड़ा TV देखूंगी और सो जाऊंगी। तो अपना व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ग्लैमरस। Bye-bye.